अंडाल ब्लॉक के उखड़ा में 78वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उखड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स ने तिरंगा झंडा फहराया। इस अवसर पर कॉमर्स ने लगभग 30 जरूरतमंद लोगों को एक महीना का राशन वितरण किया और एक असहाय महिला को व्हील चेयर भी प्रदान किया। इस अवसर पर उखड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनोज सराफ, सचिव नवीन गुप्ता तथा चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। आज 78 साल पहले जो अवस्था था उस समय हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे, हमारे पास अनाज भी नहीं था, लेकिन आज जो है आज हम लोग का भारत सही मायने में स्वाधीन है, हम लोग आत्म स्वावलंबी बन रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। आज इस मौके पर यहाँ पे क्या कार्यक्रम? आज के मौके पर हम लोग एक दिव्यांग हैं, उखड़ा गांव के हैं, उनको हम लोग व्हीलचेयर दे रहे हैं और उखड़ा गांव से ही हम लोग 20 से 25 लोग हैं, वृद्ध हैं। आज हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बहुत त्याग बलिदान, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, बोल के आज़ादी मिली थी। अब हम लोग की जिम्मेवारी है कि हम लोग इस आज़ादी को अक्षुण रखें, आज़ादी को बचा के रखें और जो भी हमारी संस्था है उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो इसके साथ साथ सोशल वर्क भी करती है। आज हम लोग एक व्हील चेयर भी दे रहे हैं जो दिव्यांग एक हैं उनको, और कुछ लोगों को हम लोग राशन वगैरह भी दे रहे हैं आज जो नीडी पर्सन है। कितने लोगों को दे रहे हैं? हम लोग का लगभग 20 से 25 हम लोग का ये है राशन देने का, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं हम लोग का सोशल वर्क का। एक महीने का राशन है, एक एक व्यक्ति का एक महीने का राशन है। मनोज शराफ, प्रेसिडेंट उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।